लैन भेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रण भेरी सोया देश जगाएगी रण भेरी चेतना रण भेरी प्रेरणा नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा सर्द लहू गरमाएगी छात्र आंदोलन करते हुए सचिवालय पर तिरंगा फहरा रहे थे तभी पुलिस ने आकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब है इस शहर से भाग गया यानी कि उसके साथ साथ उसका डर भी इस शहर से। हमारे 6 लड़के ड्राइवर अंसामा और चपरासी बनकर अंग्रेज व्यापारियों के नौकरी पा गए ताकि हमें वहां से उनके विदेश व्यापार और पूंजी निवेश पर ध्यान रखेंगे और हम लोगों को पल पल की खबर देंगे। अब तो सब चले गए अब कौन खतरा। गोपी सिंह नाम है हम गोपी सिंह उड़ती चिड़िया के पंख गिर लेते हैं हम अच्छी तरह जानते थे तुम यहीं कहीं जगह छिपे थे हम जैसे ही जाएंगे तुम वापस आओगे तो हमने जाल बिछा दिया और तुम जाल में फंस गए जैसे मछली तड़पती है ना जाल में फंसते हुए वैसे ही तड़पाएंगे तुम चलो बेटा मुंह घुमाओ मुंह दिखाई करनी देखे तो सही हमरी दुल्हन कितनी सुंदर है। बनारसी तू तू यहां क्या कर रहा है हा? इसका मतलब है रणबेरी अखबार छापने में तो हम ये अखबार पढ़ रहे थे हाँ पढ़ रहे थे मतलब हमारा ये शौक नहीं है हम देखे कि 2 आदमी अखबार यहाँ चिपका रहे थे और हमको आते थे कि ये सामान यहाँ छोड़ के भाग गए तो हम ताज्जुब से अभी देख ही रहे थे कि तुम आ गए। सच कह रहे हो गोपी अम्मा कसम हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हम वही कर रहे जो एक सच्चा इंसान करता है। अम्मा का नाम मत लिया तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी कमजोरी। खैर वैसे भी हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं अरे दोस्त कहे हैं तुमको और हम अच्छी तरह जानते हैं बनारसी कि दोस्त कभी कभी भी दोस्त से गद्दारी नहीं करता। ये बताओ कि वो लोग किधर भागे हैं। इधर ठीक है तुम अपना ध्यान रखना तुमको बाद में मिलते हैं। माफ करना गोपी मुझे करना पड़ा देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप उस पत्र में बार बार क्या देख रहे हैं अरे उस पत्र में इतनी खतरनाक बात लिखी है कि एक बार पढ़कर ही आदमी डर जाता है। मैं देख नहीं रहा हूं गौरी शंकर जी सोच रहा हूं कि इसमें जो इशारा किया गया है उसके सूत्र कहां तक पहुंचते हैं। जी हमको सूत्र को पकड़ के उस दुश्मन को जहन्नुम में पहुंचा देना है जो हमारे दल में आ घुसा। और सबसे अजीब बात यह है गुरु जी कि उस इंसान का ना तो नाम ना तो पहचान बताई गई जबकि हम उसे आसानी से पकड़ सकते थे। ये भी तो हो सकता है कि इस पुर्जे में लिखी गई बात ही गलत हो। आप सभी लोग इस निशान को पहचानते हैं जानते हैं इस निशान को किसका है। गुरुजी इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं उसी वक्त पहचान लिया था जबकि मैं जानती हूँ कि इंसान नहीं विषय वो आदमी गलती से भी गलती नहीं करेगा। और जब हमारे सबसे होशियार जासूस को अभी तक सही बात का पता नहीं चल पाया है तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि मामला वाकई में बड़ा गहरा है। इसमें कोई शक नहीं लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई है।
अब हम लोग आपस में ही शक करेंगे कि हम में से कौन दुश्मन का जासूस है। बेशक करें, लेकिन मैं फिर कहता हूं गौरी शंकर जी कि दुश्मन का ये जो कोई भी जासूस है ये निश्चित रूप से उन 250 लोगों में से है जिनकी अभी हम लोगों ने नई नई भर्ती की। पर गुरु जी, जितने भी लोग अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं उनमें से ज्यादा लोग तो अखबार बांट रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हम तक अभी तक पहुंचे भी नहीं। लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने ही शपथ दिलवाई और रणबेरी की मुख्य शाखा में शामिल किया। अगर उनमें से दुश्मन का कोई जासूस हुआ तो हम लोगों का फांडा फूट जाएगा और हम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं गौरीशंकर जी, अगर ये बंदा यहाँ पर शपथ ले चुका होता तो इसने निश्चित रूप से हमें पहचान लिया होता और अब तक पुलिस यहाँ पर आ चुकी होती। ये जो कोई भी है उसने निश्चित रूप से हमारे मुख्य दल की शपथ अभी नहीं ली, सिर्फ अखबार बांटने का काम कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जरूर यही बात है। इसका मतलब ये है कि अभी खतरा टला नहीं है। मैं और दमयंती अगले मंगलवार को बहुत सारे लोगों को शपथ दिलवाने वाले हैं, इसीलिए हमने नहीं विजय। जब तक हम इस जहरीले नाक को पकड़ नहीं लेते हम किसी भी नए व्यक्ति को अपने मुख्य दल की शपथ नहीं दिलवाएंगे। रोक दो ये काम फिलहाल। जी गुरुजी। बापू के आदर्श ही आजादी की कुंजी है। रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस वक्त खुलेआम तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? ऐसे तुम तो ऐसे डर रही हो विजय जैसे दिन में इस वक्त मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। रणवीर, तुम आते हो लेकिन देखो ना, तुमने अपना चेहरा भी नहीं ढका हुआ है। अगर ढकने की क्या जरूरत है विजय, अंग्रेजों से तो तुमने मुझे बचा ही लिया है। मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ विजय कि इसका क्या मतलब? अच्छा, ये क्या है विजय? रणवीर, देखो इसकी बहुत जरूरत थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अंग्रेज इसे पढ़ेंगे और धोखे में आ जाएंगे। वो सोचेंगे मैं शहर छोड़कर भाग गया और मुझे खोजना बंद कर देंगे और मेरी जान बच जाएगी, है ना? विजय तुम्हारी छोटी सी बात ना तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी। क्यों, इसकी जरूरत क्यों नहीं थी? जैसे तुम मेरे तौर तरीके बहुत अच्छे से जानती हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये गोपी सिंह ब्रह्मा, इनके जैसे जासूसों के लिए मैं ऐसे ही काफी हूँ। ये भागने की खबर और ये सब। रणवीर, अब गलती हो गई है, छोड़ो ना, गुस्सा छोड़ो ना। क्या गुस्सा विजय, ये तो छप गया ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना रणवीर, कि अब तो ये छप चुका है। जो बात हो गई है उसके लिए क्या तुम ऐसे ही गुस्सा रहोगे, गोली मार दोगे इस बात के लिए मुझे? देखो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, कान भी पकड़ लिया मैंने, माफ कर दो। अभी नाटक बंद करो विजय, ठीक है? फिलहाल मैं चलता हूँ। रणवीर, ये क्या बात हुई, अभी आए हो और अभी जा रहे हो? ओ, सरदार यहाँ पे है नहीं और हरे अड्डू की देखरेख मुझे ही करनी पड़ रही, अभी भी भवानी सिंह के साथ ही कहीं जा रहा था काम से। अच्छा ठीक है, काम की बात है तो मैं मना नहीं करूँगी, काम सबसे ज्यादा जरूरी है। वो मुझे एक और बात कहनी थी, दरअसल परांडकर जी ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। हरि सिंह की मृत्यु के बाद पराणकर जी बहुत दुखी है, इसी सिलसिले में वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा।
और तुम एक बात याद रखना विजय, ऐसी कोई बेवकूफी करने से पहले मुझसे एक बार पूछ जरूर ले। चलता हूं। रणवीर, तुम चाहे कितने भी नाराज हो मुझ पर, अगर अगर इन बेवकूफियों से तुम्हारी सुरक्षा होती है ना, तो मैं हमेशा ऐसी बेवकूफियां करूंगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं आपसे, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते, फूल झड़ते हैं। अरे ऐसी भाषा बोलते हैं कि आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। हाँ, मैंने भी काफी सुना है उनके बारे में। मिलना पड़ेगा, हो सकता है बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन एक बात बताइए, आप मिलेंगे कैसे? मेरे भी जासूस बहुत दूर से उनको सुन पाए थे और ऐसा ही वो मुझे बता रहे थे। मैंने भी काफी चर्चा सुनी है। क्या नाम है उनका? देशमित्र। देशमित्र नाम है उनका। कमाल है, आपको नहीं पता? देशमित्र नाम से तो बड़े दिलचस्प आदमी लगते हैं। सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, हर लिहाज से वे बड़े आदमी भाई। उनका बोलने का अंदाज, उनके विचार, उनके जादुई शब्द। अभी यही सोच रहा था गौरी शंकर जी, अगर उनके जादुई शब्दों की शक्ति हमारी रणभेरी के साथ जुड़ जाए तो हमारी रणभेरी की ताकत दुगनी हो जाएगी। आपका सोचना तो ठीक है, लेकिन यह संभव कैसे होगा? मैंने सुना है कुछ छिपे हुए लोग चारों तरफ उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनसे किसी को मिलने ही नहीं देते, फिर चाहे वो दुश्मन हो और चाहे दोस्त। लेकिन गौरी शंकर जी, किसी ना किसी को तो भेजना ही होगा, और वो भी कोई होशियार आदमी। देशमित्र का नाम सुना है? जी हाँ। तो अभय, तुम्हें उन्हें हर हाल में, हर स्थिति में रणभेरी में लेके आना है। नमस्ते। आओ। बस बस बस। जीतर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई कि अब हरि सिंह हमारे बीच नहीं रहा। सचमुच ये तुम्हारे दल के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे लिए भी बड़े दुख की बात है। जी गुरुदेव, लेकिन अब ये जो रास्ता हमने चुना है, ऐसी कुर्बानियां तो देनी होंगी। हमारे पास तो आंसू बहाने का वक्त भी नहीं है। सही कह रहे हो अभय, लेकिन जब अपने बच्चे बीच से जाते हैं तो दर्द तो होता ही है। कब आ रहे हैं सज्जन सिंह जी? जी बहुत जल्द, बस कभी भी आते होंगे। आते ही मुझे खबर करना। जी, मुझे फौरन आकर उनसे मिलना होगा। जी गुरुदेव। अच्छा बैठो बैठो, बैठिए। हाँ बैठी हूँ, बैठो। अभय, एक काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जी गुरुदेव। देशमित्र का नाम सुना है? जी हाँ। तो अभय, तुम्हें उन्हें हर हाल में, हर स्थिति में रणभेरी में लेके आना है। जी ठीक है, हो जाएगा। बेटा, तुमने इतनी आसानी से कह दिया हो जाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। जी जानता हूं, पर अब आप सबका आदेश है तो बिल्कुल हो जाएगा। पर आखिर तुम उन तक पहुंचोगे कैसे? आप निश्चिंत रहिए विश्वनाथ जी, अभय ने अगर कहा है हो जाएगा,
मतलब हो जाए। अपना तरीका ये खुद ढूंढ ले। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। क्या नाम बताया आपने? देशमुख। यस सर, मैं आज ही अपने पुलिस डिपार्टमेंट को। व्हाट? नो पुलिस, बट व्हाई सर? इतना क्लेवर है वो। यस सर, हमारे सीक्रेट डिपार्टमेंट में लोग हैं, मैं आज ही उन्हें काम पे लगा दूं। यस सर। ओके सर, बाय सर, गुड डे सर। यस सर। सेंड गोपी सिंह इमीडिएटली। ओके ओके सर। तुमको इमीडिएटली कॉल किया था। सर, मैं तो तुरंत हाजिर हो गया सर। तुम पूरे 15 मिनट लेट हो। पता नहीं तुम इंडियन लोग टाइम की कदर क्यों नहीं कर पा। अरे, तो सुपरिटेंडेंट ऑफिस से निकलकर कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इससे जल्दी क्या उड़ के जाऊं? पागल बने की बात कर रहा है। अब तुम खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर, आगे से ध्यान रखूंगा सर। I'm sorry sir. Sorry my fault. Foolish excuse. Now listen. गवर्नर ऑफिस से फोन आया था। एक डेंजरस टेररिस्ट जो वांटेड है पब्लिक में विद्रोह फैलाने के लिए। आप सर कहीं देशमुख की बात तो नहीं कर रहे? Oh yes, you know him. आप तो जानते हैं, ऐसी कोई खुफिया खबर नहीं है जो गोपी सिंह को ना पता हो। और मैं अगर ये सब खबरें नहीं रखूंगा तो अंग्रेजी सरकार की हिफाजत कैसे करूंगा? Okay, but if you know about him, तुमने हमको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने तो उसी दिन सुपरिटेंडेंट साहब को बता दिया था। अरे, ताज्जुब की बात है कि उन्होंने आपको नहीं बताया। ओके ओके, वहां मुझसे पूछ ले। पहले तुम ये बताओ कि तुमने देशमुख को अरेस्ट करने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किया है? सर, अरेस्ट तो तब करूंगा जब उसके खिलाफ कोई सुराग मिलेगा। ये आदमी बहुत ज्यादा चालाक और धूर्त, हवा की तरह आता है, जनता में आग लगाकर अलग चपक के निकल जाता। Oh yes, गोपी, इतना तो मुझे भी बताया गया है उसके पास। But गोपी, सीक्रेट डिपार्टमेंट को सैलरी इसी बात की दी जाती। बिल्कुल सर, और ये बात सिर्फ मेरी पगार की ही नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार के लिए मेरी जिम्मेदारी और वफादारी की भी है। और ये सब चीजें मेरे लिए पगार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं काफी समय से देशमित्र के पीछे लगा हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने मुखबिरों और जासूसों को भी देशमित्र के पीछे लगा रखा। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई सुराग सर जरूर मिलेगा। ओके, जो भी हो तुम फौरन उसको सर्च करो और अरेस्ट कराओ। इट्स योर ड्यूटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर हाँ, मैंने अपने एक मुखबिर को छात्र बनाकर रणभेरी में शामिल करवा दिया। इससे हमें आगे जाकर काफी मदद मिलेगी सर। आगे चल के क्यों मिलेगी, अभी क्यों नहीं?
सर आप जानते हैं कि वो अभी नया है और रणभेरी वाले उस पर पूरा विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए उसको सिर्फ उन्होंने रणभेरी चिपकाने का काम दिया, लेकिन धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा और वो असली अड्डे तक पहुंच जाएगा। ओके जैन, उसका थोड़ा सा पुराना हो जाने दो। उसके पुराना हो जाने के बाद वो उनके सीक्रेट अड्डे और लीडर्स को पहचान, देन उसकी हेल्प से हम रणभेरी को अरेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने यही सब सोचकर उसको रणभेरी में शामिल करना है। ओके, नाउ यू गो और देश मित्र को किसी भी तरह सर्च करो। जी सर। कॉपी। जी सर। तुम एक शार्प एंड ब्रेव डिटेक्टिव है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी उम्मीदें हैं तुमसे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपकी इन उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा। चलता हूं सर। यहां तो प्रवेश पत्र दिखाने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। अब क्या करेगा गोपी सिंह? मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ए चोर, मेरा पैर चुप। खड़े हो चुपचाप, अपने परिवार के साथ समय बिताओ वरना जिंदा नहीं रहोगे, समझ रहे हो? बोलना नहीं बिल्कुल। चोर 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 आज देशमित्र को नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया का, हमको तुम इधर उधर देख रहे हैं। भैया काम हम राज साहब कर रहे हैं। शक्ल से तुम्हें चोर लगते हैं का? शक्ल से तो कोई नहीं लगता भैया। फिर ये क्या है, निकाल लिए। अरे क्या का, पिस्तौल है और का है। पिस्तौल कहाँ से आई तुम्हारे पास? खफाल करते हो भैया, क्रांतिकारी के पास पिस्तौल नहीं होगी तो कच्चे होंगे हैं। अच्छा तो आप क्रांतिकारी कहाँ के रहने वाले हैं? अरे गोपीगंज के। गोपीगंज के रहने वाले? क्या बात कर रहे हैं, तब तो आप हमारे पड़ोसी निकले। पड़ोसी? हाँ, हम जंगीगंज के रहने वाले। अरे तुम जंगीगंज के? हाँ। अरे भाई तो पड़ोसी हो। हाँ, हाँ, जरूर भैया। हाँ, 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 हाँ। तो भैया ही बात पे पान हो जाए। पान? अरे क्या सोच रहे हैं भैया, एक बार खाइए मजा आ जाएगा। अरे नहीं भैया, पान वान हम नहीं खाएंगे। We'll be right back.
मेरे देशभक्त भाइयों, मुझे बेहद खुशी है कि आज आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं अवश्य अपनी दिल की बात आप सबके सामने रखूंगा। परंतु उससे पहले इतना अवश्य समझ लीजिए कि मातृभूमि की आजादी सिर्फ कहने सुनने से नहीं, कुछ कर दिखाने से हासिल होगी। हर मुल्क आजादी की कीमत मांगता है और मेरे देशभक्त भाइयों, वो कीमत होती है हजारों सिरों का बलिदान। तो अगर आप सब में वो बलिदान देने का जुनून है, वो हिम्मत है, तो मैं बात करूं, अन्यथा कुछ भी कहना सुनना बेकार है। तो मेरे देशभक्त भाइयों, क्या आप अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अपने सिरों का बलिदान देने को तैयार है? तैयार है। तो बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे भाइयों, ये मां काली की मूर्ति देखी, इन्होंने हजारों राक्षसों का संहार किया जो सदियों से मासूमों पर जुल्म करते आ रहे थे। इनके हाथ में खड़क देखिए, खून से सना हुआ। दूसरे हाथ में खप्पर देखिए। ये अंग्रेज उन जुल्मी राक्षसों से कम नहीं है और हमें भी मां काली की तरह अपने हाथ में तलवार उठानी है। इन जुल्मी अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ कर बाहर भगाना है। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? तैयार है। आप सबको यह बात याद रखनी होगी कि ना हमें अपनी जान देने से डरना है और ना ही किसी की जान लेने से। ना हम मरने से डरेंगे और ना ही मारने से। हमें हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की आजादी चाहिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे भाइयों, अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए आप सबका जज्बा और जुनून देखकर मेरा दिल भर आया। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए हमें करना क्या है। हम भारतवासी करोड़ों की संख्या में है और ये जुल्मी अंग्रेज लाखों की संख्या में, मुट्ठी भर। अगर केवल हम अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार उठा लें, तो हमें विजयी होने से और आजाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत। लेकिन इसके लिए भाइयों, हमें जरूरत है एक सेना की, एक बहादुर सेनापति की और एक विशाल योजना की। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। इन सबको मां भवानी का प्रसाद। चारे गोपी सिंह के साथ धोखा, गोपी सिंह के साथ धोखा नहीं छोड़ेंगे, इसी को नहीं छोड़ेंगे हम।
यहाँ तो पूरा सन्नाटा है, इसका मतलब सभा खत्म। हाथ में आया हुआ शिकार निकल गया गोपी सिंह। ठीक है, इसके हिसाब से तो कोई किसी को बुला रहा है, शायद देशमित्र। पर किसे? सिर्फ कोई भी हो, अब इस देशमित्र को हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसको पता चलेगा गोपी सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। देशमित्र, तुम्हारा खेल खत्म। परारकर जी, विष्णु राव परारकर जी। जी, आप जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह, हम दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं। कैसे हो रणवीर जी? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। पहले ये बताओ कि ऐसा कौन सा मकसद है जो तुम्हें मुझ तक दिखता है? क्या आप रणवीरी के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छे से। तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि रणभेरी ने आवाम के दिलों में क्रांति लहर जागृत करने की जिम्मेदारी उठाई है। हाँ, ये भी जानता हूँ। वैसे देखा जाए तो आप भी यही काम कर रहे हैं अपने चमत्कारी शब्दों से। अब जब हमारा मकसद एक है तो क्यों ना हम मिलकर इस क्रांति लहर को और तेज करें। तो क्या तुम मेरे पास कोई प्रस्ताव लेकर आए हो? जी नहीं, प्रस्ताव नहीं, मेरे गुरुदेव ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है। मेरे गुरुदेव परारकर जी आपसे मिलना चाहते हैं। परारकर जी? विष्णु राव परारकर जी? जी, आप जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह, हम दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं। तो वो रणवीर प्रमुख है जी। वैसे गुरुदेव ने मेरे माध्यम से आपके लिए संदेशा भेजा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप और रणभेरी एक हो जाएं। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी एकता अंग्रेजों पर काफी भारी पड़ेगी। रणवीर, मैं उनके बारे में सुनकर खुद उनसे मिलने के लिए व्याकुल, लेकिन जहां तक उनके प्रस्ताव का सवाल है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। वैसे आप रणभेरी के बारे में जानते हैं, परारकर जी को जानते हैं, मुझे जानते हैं, और देखा जाए तो हम सब एक ही हैं। हमारे विचार एक हैं, मकसद एक है। मुझे लगता है हमें मिलकर एक दूसरे के काम आना चाहिए, और वो काम है इस देश की आजादी। तुम सही कह रहे हो रण, लेकिन मेरे और तुम्हारे गुरुदेव के तरीकों में बहुत फर्क है। मेरे तरीके भी उनसे काफी अलग हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ काम करता हूं। हमारा मकसद तो एक है ना? ठीक है, तुम फिलहाल अपने गुरुदेव से जाके बोलो, मैं जल्दी उनसे मिलूंगा। जी, चलता हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
तू तो मेरा पुराना साथी है। बिल्कुल, और इसीलिए जब मैं तुमने ये बात बताई तो आपसे मिलने के लिए एकदम आतुर हूं। मॉर्निंग सर। क्या हुआ कौपीर सिंह, कुछ पता लगाया उस देश मित्र का? सर पता क्या, करीब करीब मैंने उसे पकड़ ही लिया था, पर अंत में एक ऐसा धोखा हो गया कि चिड़िया हाथ में आते आते उड़ गई। सर क्या हुआ? शेम गोपी सिंह, तुम इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है कि कोई भी मामूली आदमी तुमको पकड़ लेगा और बेहोश कर दे। मैं जानता हूं सर, मेरी गलती है। ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। इस तरह आंख बंद करके कोई डिटेक्टिव काम करता है क्या? सर अगर मैंने आंख बंद करके काम किया होता तो मैं देश मित्र के अड्डे तक पहुंचता कैसे? अगर वो ऐन मौके में मुझसे धोखा नहीं हुआ होता ना, तो आज देश मित्र आपके सामने बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता। सर तुम्हारी इस जरा सी मिस्टेक से देश मित्र बच के भाग गया। एनीवेज, तुमने सर्च किया उसके प्लेस को? जी सर, मैंने वो पूरी जगह की तलाशी ली लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन हाँ, मुझे एक कागज का टुकड़ा जरूर मिला सर। Show me. लेकिन सर ये हिंदी में है। I know. Don't worry. ठीक है सर। ये किससे मिलने की बात हो रही है? सर मुझे लगता है कि ये लिखावट देशमित्र की है। क्या तुम गैस कर सकता है कि ये किसके लिए लिखा और उसे किससे मिलना है? जी सर, मेरी समझ के हिसाब से देशमित्र किसी रणभेरी के आदमी से मिलना चाहिए। यानी कि तुम कहना चाहता है कि रणभेरी और देशमित्र एक टीम बना के काम कर रहा है? बिल्कुल सर, देखिए दोनों का मकसद एक ही है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत। तो दोनों का मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ऑफिसर सिंह, अगर ये हमारे दोनों एनिमी एक साथ हो गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफिसर सिंह, तुम्हें इसे रोकना होगा, तुमको उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। सर एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। ओके, चल। सर देखिए, हमारा दुश्मन बहुत होशियार है और उसके पास जासूसों की संख्या बहुत ज्यादा। आप खुद ही सोचिए सर, जब मैं कुछ जासूसों के साथ इतना कुछ कर सकता हूँ तो अगर मुझे कुछ और जासूस दे दिए जाएं तो मैं क्या क्या कर दूंगा सर? आई डोंट लाइक एक्सक्यूजेस गोपी सिंह। सर ये एक्सक्यूज नहीं बल्कि चालाकी है। देखिए, अगर हमें दुश्मन का मुकाबला करना है तो सबसे पहले उसकी ताकत का मुकाबला करना पड़े। और सर ये सब मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूं,
आप खुद ही सोचिए, अगर खुफिया विभाग में कुछ जासूस और आ जाए तो हमारी अंग्रेजी सरकार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और अगर ये हो गया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं देशमित्र और रणभेरी दोनों का सफाया करूं, वो भी जल्द से जल्द। चलो, ये लेख तो तैयार हो गया। अब पता नहीं विजया क्या लिख के लाने वाली है। अगर गांधी जी वाला लेख भी तैयार हो गया तो उसे भी कल के अंत में छपवा दिया जाएगा। अरे बजरंगी जी, भाई वो गौरी शंकर जी आए थे क्या मेरे पीछे? अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। पता नहीं इस मामले का क्या हुआ, ये जो जासूस घुस आया है हमारे दल में, उसे जल्दी ही नहीं पकड़ा गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, खास तौर से तब जबकि हम देश मित्र जी को। अरे अभय का भी तो कोई समाचार नहीं मिला है, पता नहीं उसकी भेंट भी हुई कि नहीं उनसे। जाओ देखो। अभय भैया नमस्ते। अरे बजरंगी कैसे हो? जी एकदम ठीक है। ठीक होना भी चाहिए। हाँ अब तुम हमारे सिपाहियों में से एक हो, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर अखबार कौन छापेगा? अरे आओ भाई आओ, जीते रहो जीते रहो, आओ बैठो। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारा ही नाम ले रहा था। अच्छा सुनाओ, कुछ काम हुआ? कुछ नहीं गुरुदेव, सारा काम हो गया। है? मतलब ये कि देश मित्र जी से भेंट हो गई तुम्हारी? भेंट भी हुई, उनसे बात भी हुई और वो आपसे मिलने के लिए तैयार भी हो गए। हैं? शाबाश। एक बात बताओ जी, कैसे कर लेते हो ये सारे काम जादू की तरह? गुरुदेव तो आपका आशीर्वाद है। वैसे एक ताज्जुब की बात है। क्या आप जानते हैं देश मित्र कौन है? कौन है देश मित्र? कह रहे हो तुम जी? ये तो कमाल हो गया। अरे वो तो मेरा पुराना साथी है। बिल्कुल, और इसीलिए जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो आपसे मिलने के लिए एकदम आतुर हो। देखो कौन कहता है चमत्कार नहीं होते, अब ये हुआ ना चमत्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम तो रो रही हो, क्या हुआ राजेश्वरी? किसने हमारी बहनों को परेशान किया, एक बार नाम बताओ। एक ही बारी में चारों खाने चित कर देते हैं, नाम बताओ तुम। अरे राजेश्वरी तुम इस सुनसान रास्ते। अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ राजेश्वरी? किसने हमारी बहनों को परेशान किया, एक बार नाम बताओ। एक ही बारी में चारों खाने चित कर देते हैं, नाम बताओ तुम। अरे गोपी भैया ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल हमने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर हमारे आंखों में पानी भर गया। आंखों में पानी भर गया? पर ऐसा क्या देख लिया तुमने? अरे राजेश्वरी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उत्तर दो मेरे को। पहले आप मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहती हो। गोपी भैया क्या इस देश में लड़की बनकर पैदा होना गुनाह है? अरे बिल्कुल नहीं राजेश्वरी, तुम्हें मालूम है लड़कियाँ तो देवी माँ का अवतार होती है, और जो लोग लड़के और लड़की में फर्क करते हैं ना वो बेवकूफ और जाहिल होते हैं। पर एक बात बताओ तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? गोपी भैया मैं अभी
थोड़ी देर पहले ही इसी रास्ते से गुजर रही थी जहां मुझे एक छोटी बच्ची दिखी। उसकी उम्र करीब 10-12 साल रही होगी। वो यहाँ अपना बस्ता और किताबें लिए छिपकर पढ़ रही थी। छिपकर पढ़ रही थी? हाँ, और मुझे उसके पढ़ाई के प्रति स्नेह देखकर बहुत अच्छा लगा। पर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? फिर अचानक उसकी माँ आई और उसे डांटने लगी और ये कहने लगी कि तू यहाँ क्या कर रही है, चल घर का काम कर। ए भोले बाबा, एक छोटी सी बच्ची से घर का काम? गोपी भैया, वो रो रो कर कहने लगी कि माँ मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। पर उसकी माँ ने एक नहीं सुना, उल्टा उसकी किताबें सड़क पर फेंक दी और उसे घसीट कर घर ले गई। तो तुमने उनको रोका नहीं? इससे पहले मैं कुछ करती, उसके बाबूजी आकर उसे बचा ली। चलो कम से कम उसके पिता तो अच्छे इंसान निकले। और आपको पता है उस लड़की के बाबूजी ने उसे चुप कराया और उसे प्यार से पुचकारते हुए उसकी किताबें उसे वापस की और उसे घर ले गए। देखा राजेश्वरी, इसे कहते हैं समझदार और जिम्मेदार पिता। मैं तो कहता हूँ कि बेटियों को भी उतना ही पढ़ने का हक है जितना कि बेटों को। अगर औरतें शिक्षित नहीं होंगी तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे, उनको अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार कैसे देंगी। तुम जानती हो राजेश्वरी, अगर किसी भी देश को सफल बनना है ना, तो वहाँ की औरतों का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ गोपे भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद हमारे देश की पिछड़े रहने की मुख्य वजह यही है। इसलिए तो मैं अंग्रेजों का फैन हूँ। तुम्हें पता है विलायती औरतें भी उतनी ही पढ़ी लिखी होती हैं जितने की विलायती मर्द। और देखो आज अंग्रेज लोग आधी दुनिया पर राज कर रहे हैं। हाँ, अंग्रेजों में भी एकाध गुण होते ही हैं। अच्छा ये तो बताओ तुम रो क्यों रही थी? उस लड़की की हालत देखकर ना। दरअसल गोपी भैया, मुझे बस उस लड़की और उसके पिता को देखकर अपने बाबूजी की याद आ गई। मुझसे ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है राजेश। तुम चिंता मत करो, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। चलो अब मैं अपने काम पर जाता हूँ और तुम भी घर जाओ। और मेरी बहना हंसते हुए अच्छी लगती है, रोते हुए नहीं। हाँ, अपना ध्यान रखो। काश गोपी भैया जैसी सोच सबकी होती तो कोई भी परिवार अपनी बेटी को बोझ नहीं समझता। मैं बयान नहीं कर सकता, इतने सालों बाद आपको देखकर अति प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरी प्रसन्नता आपसे कुछ ज्यादा ही होगी, कम नहीं। क्योंकि मैं तो ये मान बैठा था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोग वहां मत जाइए, सब खत्म हो चुका। सब खत्म हो चुका? क्या खत्म हो चुका? कुछ तेरा मतलब, प्लीज।